खबर मथुरा से है, जहां वीकेंड के मौके पर मथुरा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते पूर्व में भी बांके बिहारी मंदिर में कई बार हादसा हो चुका है। आपको बता दें कि ऐसा ही आलम मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में देखने को मिला, जहां अधिक भीड़ के दबाव के चलते गेट के सामने रोड पर जाम की स्थिति बनी हुई है। मंदिर के 3 गेट हैं और तीनों गेटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही, जिसके चलते श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान रोड पर जाम स्थिति से निजात दिलाने के लिए पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं रहते हैं। जब इस संबंध में अपने स्थानीय लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा भीड़ को देखते हुए यहां पर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। ये क्या नाम है आपका? हरीश अग्रवाल। हरीश जी, यहाँ क्या स्थिति? 10 बजे से 11 बजे तक ये स्थिति रहती है कि एक आध हादसा होने की बात है, खाली बाकी सब चीज स्थिति बहुत भंग है यहाँ पर। अच्छा, पुलिस की व्यवस्था कैसी रहती है? कोई व्यवस्था नहीं है, एक पुलिस वाला नहीं है कोई भी, 10 से 11 के बीच में कोई नहीं है एक भी। अच्छा, यहाँ ट्रेनिंग कैसे रहती है? भीड़ में छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग 4 पहिया वाहन सब आ जाते हैं, कोई रोक नहीं है, कोई टांग नहीं है। दुकानदार ऊपर धक्का पड़ते हैं, इतनी भीड़ आ जाती है। क्या चाहते हैं? यही है कि बस 10 से 11 बजे के बीच में प्रशासन अपना वाहन रोक दे तो भीड़ की शांति रहे अपनी। तो कौन कौन से वाहन की बात करें? 4 पहिया वाहन आते हैं पे? हाँ, बिल्कुल आते हैं सब। आज सुबह जालौन कोतवाली। खबर जालौन से है, जहां अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर लगातार कानूनी हंटर जारी है। आपको बता दें कि उपसंभागीय परिवहन अधिकारी ने एक ओवरलोड बालू से भरा ट्रक पकड़ा, जिस पर 49,000 का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने भी लोहे की रॉड से लदा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। वहीं इस ट्रक को कब्जे में लेकर कोतवाली में दाखिल कराया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज सुबह जालौन कोतवाली क्षेत्र में उपसंभागीय परिवहन अधिकारियों ने कानूनी हंटर चलाया है। साथ ही सचल दल यानी वाणिज्य कर विभाग की सचल दल टीम ने भी अपना कानूनी हंटर चलाया है। इस संबंध में हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगरा मार्ग पर उपसंभागीय परिवहन अधिकारी उमेश कुमार सिंह ने आज फिर से एक बालू लदा ट्रक पकड़ा जिस पर ओवरलोड था और जरूरी प्रपत्र नहीं थे, लिहाजा उस पर 49,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जालौन औरैया मार्ग पर वाणिज्य कर विभाग की टीम ने एक जो है टैंकर पकड़ा है, एक जो बड़ा ट्रक है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ट्रक है और इस पे लोहे की रॉडें लगी हुई हैं। फिलहाल अभी जुर्माने का तो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारियों से हमने बात की तो उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ उनसे जरूरी प्रपत्र मांगे गए हैं संचालकों से, प्रपत्र के आधार पर जो वैल्यूएशन के आधार पर जो जुर्माना बनेगा उस पर लगाएंगे। सूरत में नो ड्रग्स इन सिटी की मुहिम के चलते रादौर इलाके में एक व्यक्ति को स्वास्थ्य चेतावनी हेल्थ वार्निंग बिना की विदेशी सिगरेट सहित गिरफ्तार किया गया, साथ ही लाखों का माल भी जब्त किया गया। खबर मथुरा से, जहां गोवर्धन के आगरा कैनाल नहर में अज्ञात वृद्ध व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं राहगीरों की नजर उतारते हुए शव पर पड़ी तो लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उतरते हुए शव को नहर से गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवाया। वहीं शव कब्जे में लेकर पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई, लेकिन कोई कागजात न मिलने से शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर, मेरा नाम दीपक है। तो क्या मामला? अभी नहर पे बताया जा रहा है, बॉडी मिली है, क्या बात है? जी सर, ये बॉडी मिली है सर, और पुलिस वालों ने हम लोगों ने यहाँ पे मिलकर निकलवाई है और सर इसको अब चील ले आ रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए सर। तो क्या लग रहा, बॉडी गली हुई है, कब पुरानी बॉडी? आज आपको मीडिया। खबर नजीबाबाद से है, जहां नजीबाबाद पब्लिक कैरियर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रक यूनियन के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में यूनियन के अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, एडवोकेट और समस्त पदाधिकारियों ने सर्वसम्मत से युवा पत्रकार शाही आराफात सैफी को ट्रक यूनियन का मीडिया प्रभारी बनाया। इस मौके पर ट्रक यूनियन के समस्त पदाधिकारियों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान युवा पत्रकार और यूनियन के मीडिया प्रभारी शाही आराफात ने कहा कि ट्रक यूनियन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वह उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। आज आपको मीडिया प्रभारी बनाया गया है ट्रक यूनियन का, क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक कैरियर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रक यूनियन नजीबाबाद की ओर से मुझे संगठन एसोसिएशन का मीडिया प्रभारी बनाया गया है। मैं अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो है हमारे एसोसिएशन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज चौथा स्तंभ मीडिया है उसको मैनेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए और एक पत्रकार वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से समाज को आईना दिखाने का कार्य भी करता है और इसी के फलस्वरूप क्योंकि हमारे ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन की में बहुत दिक्कतें चल रही हैं तो उनको प्रकाशित करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर उनको प्रकाशित करने के लिए एक मीडिया।
खबर जलाव से है, जहां देर रात विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग की चपेट में दो दुकानें भी जलकर राख हो गई। वहीं देखते ही देखते दोनों दुकानें जलकर खाक हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। मनीष, आपकी किस चीज की दुकान थी और कैसे आग लगी, कितना नुकसान हुआ? जूता चप्पल आग कैसे लगी? पता नहीं, फाल्ट से हुई, रात में लग गई, हम लोग आते ही नहीं यहाँ पे। कितना नुकसान हुआ आपको? 30,000 रुपये। 30,000। क्या नाम है तुम्हारा? श्याम। आपकी दुकान में आग कैसे लगी और कितना नुकसान हुआ? 2 लाख के आसपास। अच्छा, किस कैसे कारण आग लगी? फाल्टिंग हाई लाइट। खबर सतना से, जहां मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की बेलगाम कार्यशैली लगातार आम जनता की परेशानियों का सबब बनी हुई है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि मजबूर होकर जन समस्याओं के निराकरण के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। बता दें कि बड़े की ग्राम पंचायत मझगवा में व्याप्त पेयजल, नाली निर्माण, नाला सफाई सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर ग्राम के उप सरपंच शफीक सौदागर राजू के नेतृत्व में ग्रामवासियों सहित एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मजलूमा के उप सरपंच राजू सौदागर जी यहाँ पे अनशन पे बैठे थे। इनकी मांगे जो है पूर्व में हमें प्राप्त हुई थी, 17 सूत्री मांगे थी, जिनमें पेयजल संबंधी और नाली की साफ सफाई संबंधी एवं अन्य मांगे ऐसी थी जो जिनमें थोड़ा वक्त लगना है। हमने सभी मांगों को गौर किया है और आज हम यहाँ पर आए हैं और हमने इन्हें आश्वस्त किया है, इवन सभी यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासियों को भी, कि आगामी जो है 15 दिनों में हम तेजी से सारी मांगों पे काम करेंगे और पेयजल संबंधी जो मांग है वो निश्चित तौर पे जो है हम उसको बहुत प्रायोरिटी पे हम लोग देखेंगे, जल्दी ही उस पर हम लोग वर्क करेंगे ताकि लोगों को पेयजल की समस्या बिल्कुल भी ना रहे। हमारा प्रयास ये है कि जल्द से जल्द हम यहाँ पे पेयजल की अच्छी व्यवस्था बहाल कर सकें। और मांगों में जो है, जैसा मैंने कहा कि पेयजल की समस्या, चूँकि यहाँ वाटर लेवल काफ़ी नीचे हो जाता है, पेयजल की समस्याएँ कई वार्डों में हो जाती है, हमने चिन्हित भी किया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि टैंकर वहाँ पर हम जल्द से जल्द पहुँचाएँ ताकि अभी गर्मी के सीज़न में पेयजल की समस्या ना रहे। तो पेयजल की समस्या एक प्रमुख मांग थी। इसके अलावा चूँकि अभी बरसात आने वाला है तो कई जगह नालियाँ जो है वो जाम हो जाती हैं, उन नालियों में हमने काम भी लगा दिया है। जल्दी ही जहाँ जहाँ समस्याएं हो जाती हैं उन नालियों को हम जल्द से जल्द ठीक करवा देंगे। तो प्रमुख मांगों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो पेयजल और नालियां संबंधी जो मांगे हैं इसको हम जल्द से जल्द इसका हम लोग निराकरण करें। हम लोग जितनी जल्दी हो सके जल्दी निराकरण करेंगे। बाकी हमारा प्रयास ये है कि हम 15 दिनों में जो है सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास ये है कि भाई जो प्रमुख मांगों में पेयजल और नाली संबंधी जो मांगे हैं इसको हम जल्द से जल्द हम इसका निराकरण करें। ये शफीक राजू सौदागर जी उप सरपंच है मझगवा के एवं लक्ष्मी देवी मवासी जी जिला पंचायत सदस्य हैं। इनके द्वारा ग्राम पंचायत मझगवा में कुछ विकास कार्यों को लेके और उसके संबंध में पूर्व में ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन की एक समय सीमा इनके द्वारा तय की गई थी। उस समय सीमा अंतर्गत कुछ कार्य नहीं हो पाए थे, जिसके संबंध में इनके द्वारा दोबारा एक ज्ञापन या चेतावनी कह सकते हैं कि 9 तारीख को दी गई थी। गोवर्धन में विद्युत निगम के संविदाकर्मी के मौत के मामले में मृतक संविदाकर्मी के भाई की तहरीर पर अडिग विद्युत सब स्टेशन के जेई और एसएसओ के खिलाफ संगीन धाराओं में गोवर्धन पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। खबर हमीरपुर से है, जहां जनपद के सरीला नगर में मुहाल माझखोर निवासी जगत प्रसाद के घर में विवाह की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। इसी बीच नगर के लोगों द्वारा खबर मिली कि जगत प्रसाद का दांडौ रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, जिसको राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस द्वारा सरीला सीएससी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जगत प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने से पुलिस सीएससी ने घटना स्थल पर जांच में देखा कि सड़क किनारे नए कपड़े मिले, जो जानकारी के मुताबिक मृतक के बताए गए। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि एक्सीडेंट किसी ट्रैक्टर वाहन से हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सौ के पिछले दिनों लखनऊ स्थित आवास पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से
हुई मुलाकात और मथुरा वृंदावन के महापौर विनोद अग्रवाल की घोषणा के बाद सोमवार से कस्बे के गोवर्धन मथुरा इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरुआत की गई। इससे कस्बा वासियों में खुशी की लहर देखी गई। बस सेवा का फीता काटकर चेयरमैन योगेश लंबरदार ने शुभारंभ किया। इससे पूर्व बस चालकों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। चेयरमैन योगेश लंबरदार ने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार लगातार विकास के आयामों को छू रही है। चुनाव में किए गए वायदे जनता के बीच पूरे किए जाएंगे। आज ये बस सेवा चालू हुई है, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा जनता जनार्दन का, जो 4 तारीख को इतनी जोरदारी से इन्होंने वोटिंग की कि वो आवाज नकलों तक पहुंची। योगी जी की जो योजना है उनका, ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनी तो कस्बा सौंक में एक विकास का भैया योगेश के भैया के, जो मैं नाम से जाना जाता हूँ, उसकी शुरुआत माननीय योगी जी, माननीय मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। उन्होंने तुरंत 2 गाड़ियों को हमको दिए, आज हम उनका उद्घाटन कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मुझे से प्रत्याशी पर उन्होंने दाव लगाया और मैं 24 घंटे मैं ऐसे ही आपकी सेवा करता रहूँ। हमारे साथ ग्राम प्रधान खबर बहराई से, जहां अज्ञात कारणों के चलते त्रिलोकी गोड़ी गांव में भीषण आग लग गई। वही भीषण आग के चलते 2 घर जलकर खाक हो गए। इस दौरान सोहन और ब्रजमोहन की मां रामसागरी ने बताया कि उनके घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक भीषण आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। इसके साथ साथ तेज हवा भी चलते रही, जिससे आग फैलने की पूरी संभावना थी। वहीं गांव के कुछ ग्रामीणों के द्वारा तत्काल पंपिंग सेट इंजन के सहारे आग पर कड़ी मशक्कत करने के पश्चात काबू पाया गया। हमारे साथ ग्राम प्रधान सुजोली राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, आज यहाँ पर दाड़ा गांव में आग लगी है, बताइए किस तरीके का नुकसान हुआ है और क्या व्यवस्था इन लोगों की जाएंगी? इनका घर पूर्णता से जल के खत्म हो गया है। दरअसल घर पे कोई था नहीं, दोनों बहुएं मैके गई हुई हैं और दो पुरुष हैं वो बाहर कमाते हैं और घर पे कोई मौजूद न होने से इनका पूरा जो घर की गृहस्थी थी सब खत्म हो गई, नष्ट हो गई। अच्छा, तो इन लोगों के लिए कोई इनका रहने होने की व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से? जी, अभी तत्काल में बहुआ तो है नहीं घर पे, उनको खबर की आती है तो तत्काल तिरपाल वगैरह की व्यवस्था कराई जाएगी, ब्लॉक बात किया गया, इनके आवास की भी व्यवस्था कराई जाएगी। अच्छा, तहसील प्रशासन को अवगत करा दिया? जी, पालसा से भी बात हुआ, नाम आधार सबका भेज दिया गया, फोटो भेज दिया गया। हमारे साथ ग्राम प्रधान